नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर कोलिया की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं पाठ 7, बालक का स्वप्न। इस पाठ के प्रश्न उत्तर, यह एक कहानी थी और इस कहानी को हमने पढ़ लिया था। कहानी क्या थी आज हम एक बार वापस देख लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि अगर हम कुछ करने के लिए सपने देखें और उन्हें पूरा करने के लिए दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास के साथ कड़ी मेहनत करें तो एक दिन हमारे सपने जरूर पूरे हो सकते हैं। साथ ही कहानी में ये भी बताया गया कि किस प्रकार एक छोटे बालक एक सेठ के यहाँ पर अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए जमींदार की नौकरी करता है। वहाँ से भी निकाल दिए जाने के बाद वह राजा के यहाँ पहले साधारण नौकर और फिर मंत्री के रूप में कार्य करता है। जब राजा भी उसे जेल में डाल देते हैं तब भी वह अपने निश्चय पर दृढ़ रहता है। आखिर में कई परिस्थितियों से गुजरता हुआ वह एक दिन अपने सपने को उसी रूप में साकार कर लेता है जिस रूप में उसने देखा था। वह भी एक राज्य का राजा बन जाता है और उस राजा की पुत्री से शादी भी करता है। इस कहानी से संदेश दिया है कि कड़ी मेहनत, आत्मविश्वास और पक्के इरादे से अपने किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार हमने एक छोटे से बालक की कहानी पढ़ी थी। आइए इस पाठ में प्रश्नोत्तर करते हैं। आज हमारा पहला प्रश्न है, राजा के प्रश्नों को किसने हल किया? राजा के प्रश्नों को बंदी मंत्री ने हल किया था। हमारा दूसरा प्रश्न है, सेठ ने पहली बार स्वप्न की बात बालक से कब पूछी? तो सेठ ने बालक से बात कब पूछी थी, तो उसका उत्तर हम लिखेंगे, सेठ ने पहली बार स्वप्न की बात बालक से तब पूछी जब वह रात्रि में स्वप्न में चिल्ला उठा था। तीसरा प्रश्न है हमारा, राजा ने मंत्री से कितने प्रश्न पूछे? तो राजा ने मंत्री से 3 प्रश्न पूछे थे। हमारा चौथा प्रश्न है, स्वप्न का बालक पर क्या असर हुआ? स्वप्न देखने के बाद बालक दृढ़ निश्चय होकर अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करने लगा, वह अध्ययन करने लगा। उसके आगे हमारा प्रश्न है, सही उत्तर का क्रमाक्षर छांट करके कोष्टक में लिखें, यानी कि आपको कोष्टक में सही जो आंसर है उसको देना है। वह पहला प्रश्न है, सेठ ने उस लड़के से स्वप्न की बात पुनः पूछी पर वह टाल गया। उस दिन के बाद वह लड़का क्या करने लगा, वो सही उत्तर आपको कोष्टक में दिया हुआ, वो आपको भरना है। हमारा पहला है, बालक छिप गया। ब, बालक भाग गया। स, बालक छिपकर पढ़ने लगा। और ग, यानी कि द हमारा है, बालक नौकरी छोड़कर चला गया। तो इसका सही उत्तर हम लिखेंगे स, बालक छिप करके पढ़ने लगा। हमारा दूसरा प्रश्न है, जमींदार ने बालक को बुलाकर कहा, जमींदार ने बालक को बुलाकर क्या कहा था? नौकरी छोड़ने को, काम करने को, बाजार जाने को या स्वप्न की बात बताने को? तो जमींदार ने बालक को बुलाकर के स्वप्न की बात बताने के लिए कहा था, इसलिए हम उत्तर लिखेंगे द, स्वप्न की बात बताने को। आगे है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमारे पास कुछ 4 शब्द दिए हुए हैं, उनको रिक्त स्थान में भरने हैं। हमारा पहला शब्द है अध्ययन, अकस्मात, साधारण नौकर और सूझबूझ। अब ये जो 4 शब्द है उनको खाली जगह में आपको भरना है। पहला है रिक्त स्थान, एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया। एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया, तो इनमें जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से आप हम भरेंगे अकस्मात, यानी अचानक एक दिन वह जमींदार के यहाँ पर आया। उसने अपना चालू रखा क्या अध्ययन, तो खाली जगह में भरेंगे उसने अपना अध्ययन चालू रखा। वह किसी प्रकार अपनी से राजा के यहाँ पर हो गया, क्या हो गया? तो वह अपने अध्ययन से अपने सूझबूझ से वह राजा के यहाँ पर एक साधारण नौकर हो गया। भाषा की बात, इस प्रकार के शब्द सोचे और लिखे। उदाहरण, पाठ में जैसे शब्द आए थे सूझबूझ, इसी प्रकार पाठ में आए कुछ 4-5 शब्द है वो आपको छाट करके या फिर लिखना है। तो ऐसे शब्द आए हैं, देखो, एक पहला आया था सूझबूझ, फिर आसपास,
काम धाम सुख दुख तन और मन तन मन, इस प्रकार के शब्द जो पाठ में आए थे उनको छाट करके आपको लिखने थे। तो ये पांचों शब्द मैंने लिखे हैं और इन प्रश्नोत्तर को आपको कॉपी में करना है।